बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद अवैस नदीम और आप लोग सब इस वक्त मौजूद हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग विद अवैस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरवाफियत के साथ होंगे। जैसा कि बात आप सबके इल्म में है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और नाइन्थ क्लास और मेट्रिक क्लास की सिंध बोर्ड की बुक्स वगैरह चेंज हो चुकी हुई हैं और काफ़ी सारी चीज़ें वगैरह चेंज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अब काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। तो इंशाल्लाह आज से हम लोग फर्स्ट ईयर मैथ्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज है उसको स्टार्ट करेंगे। और इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि कम से कम डेज के अंदर इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को मुकम्मल करने की कोशिश करें। और इंशाल्लाह आपको हमारे यूट्यूब चैनल की हेल्प से ये तमाम की तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारे लेक्चर में 1 है। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है लेक्चर में 1 में उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, वो दो चीज़ें। सबसे पहले एक चीज़ मेरे पास है कि सीक्वेंस, और दूसरी चीज़ है मेरे पास सीरीज। पहले मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, इसके बाद फिर आगे हम लोग फर्दर इस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मेरे पास है सीक्वेंस, नंबर सेकंड इज सीरीज। सीक्वेंस मुझे क्या कहता है, सबसे पहले मैंने इसको देखना है। सीक्वेंस मुझे ये कहता है कि मेरे पास बेसिकली, आम अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी में देखें तो सीक्वेंस से क्या मुराद है, तो हम लोग सीक्वेंस से ये मुराद लेते हैं कि किसी भी चीज़ को तरतीब से रखना। जैसे मेरा पेन है और ये मेरा मार्कर और एक दूसरा मार्कर है, इसको मैंने किस तरतीब से रखा हुआ है। अब अगर दो तीन चीज़ें मेरे पास और भी हैं और मैंने उनको भी सेट करना है तो मैं उनको किस तरतीब से रखूंगा। जैसे घर वाले कहते हैं किसी चीज़ को तरतीब से रखें, इस चीज़ को आगे रखें, उस चीज़ को बाद में रखें, इस चीज़ को तीसरे नंबर पर रखें, उस चीज़ को चौथे नंबर पर रखें, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से करके मेरे पास सीक्वेंस ये चीज़ बनती है। अब सीक्वेंस का मैं आप लोगों को अगर मैथ्स की जबान में समझाने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखूंगा, उसको देखते हैं। 2,4,6,8,10 फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक सीक्वेंस की एक मैंने आप लोगों के सामने मिसाल ली है। तो अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि ये तो 2 का टेबल लग रहा है कि 2 1 2 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 4 8 एंड 2 5 10, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हर फिक्स नंबर के बाद हर नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे कि 2 और 4 के दरमियान अगर मैं बात करूं कि इन दोनों नंबरों के दरमियान डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे 2 नंबर्स का डिफरेंस है। और इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 नंबर्स का डिफरेंस है। और इसी तरीके से करते हुए अगर ये 8,10,12 और आगे सो ऑन इनफाइनाइट तक अगर ये जाएगा, तो इसका मतलब मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास एक ही सीक्वेंस बन रहा है। मतलब कि किसी भी नंबर का कुछ मखसूस तादाद के बाद अपने आप को रिवाइज करना, अपने आप को रिकॉल करना कहलाता है कि मेरे पास सीक्वेंस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट चीज़ है मेरे पास सीरीज। अब सीरीज को डिस्कस करते हैं कि सीरीज मेरे पास क्या चीज़ होती है। सीरीज बेसिकली बिल्कुल वही चीज़ है, और उसके अंदर हम क्या चीज़ देखेंगे, हम ये देख रहे होंगे कि सीरीज के अंदर मेरे पास जैसे 2, 4, 6 और 8 था, अब मेरे पास प्लस होगा इसके अंदर। यानी कि तमाम चीज़ें जो कि सीरीज के अंदर आ रही हैं वो आपस में प्लस होंगी, और आपस में प्लस होकर उनका एक फिक्स आंसर आ रहा होगा, और उसको मैं ये कह रहा हूँगा कि ये मेरे पास एक सीरीज बन रही है। जैसे ये कुछ नंबर्स की सीरीज बन रही है मेरे पास। अब 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया, मेरे पास आगे 8 हो गया और 10 हो गया, इस तरीके से करके मेरे पास सीरीज चलती जाएंगी। तो इस चीज़ को मैं सीरीज कहूंगा जस्ट इस पॉजिटिव साइन की वजह से, जो मेरे पास पहले सीक्वेंस था अब वो सीरीज बन चुकी हुई है। और यहां पे भी अगर आप देखें तो वही वाली लॉजिक है कि हर मखसूस किसी नंबर के बाद अगला नंबर अपने आप को रिवाइज कर रहा है, अपने आप को रिकॉल कर रहा है, और दोबारा वही नंबर आ रहा है कुछ मखसूस फासले के बाद। अब अगर मैं आपसे बात करूं सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस को मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा कि सीक्वेंस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन। तो यहां मैं लिख भी देता हूं आप सबके आसानी के लिए कि सीक्वेंस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन। अब आगे अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट मेरे पास सीक्वेंस की अब टाइप्स आती हैं। 3 टाइप्स आती हैं मेरे पास सीक्वेंस की, वो कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। अच्छा, बाय द वे, ये जो हमारी है आज की वीडियो, ये हम लोग किसी एक्सरसाइज को स्टार्ट नहीं कर रहे, हम बिल्कुल जो बेसिस हैं उनको बना रहे हैं। पहले अपनी बेसिस को मजबूत कर रहे हैं ताकि हम लोग ये बात सीख सकें और ये बात जान सकें कि व्हाट एक्चुअली इज सीक्वेंस एंड सीरीज। और इसके अंदर जो टाइप्स ऑफ सीक्वेंस के अंदर जो मेन मेन चीज़ें, उसको मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके सामने एक दफ़ा डिस्कस कर सकूँ, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको कोई किसी भी किस्म की परेशानी ना हो सके। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस है मेरे पास, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस सीक्वेंस के अंदर आपके पास सबसे पहले आएगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास आएगा जिसको मैं AP लिखता हूँ। अगला आपके पास होता है कि HP यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और तीसरा आप सबके पास स्टूडेंट्स होता है GP यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
अब आपने क्या काम करना है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपके पास बुक की कौन सी एक्सरसाइज तक आप लोगों ने एपी को डिस्कस करना है, कौन से वाली तक आपने एचपी को डिस्कस करना है और कौन से वाली तक आप लोगों ने जीपी को डिस्कस करना है। तो एपी का अगर मैं जिक्र करूँ सबसे पहले, तो मेरे पास डियर स्टूडेंट्स हम लोग एपी को एक्सरसाइज नंबर 4.1 में कॉमा 4.2 में और एपी की ही मदद से हम एएम को यानी कि एरिथमेटिक मीन को निकालना सीखेंगे और उस बात को जान लेने के बाद हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.3 के अंदर हम लोग एरिथमेटिक मीन को डिस्कस कर रहे होंगे। ये तमाम की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला इसी चैनल पे अपलोड की जाएंगी और आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी अपनी तैयारी के हवाले से फर्स्ट ईयर मैथ्स के अंदर। अब आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग सिर्फ एपी को देखेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेरे पास क्या चीज़ होती है, क्या इसके पीछे बेसिस होती हैं और किस तरीके से करके हम कैसे नंबर को या कैसी कैसे सीक्वेंस को हम कहेंगे कि भाई ये एपी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं एक्सप्लेन करूं यहाँ पे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, तो एपी आ गया मेरे पास। अब अगर एपी को डिस्कस करते हुए, एपी को एक्सप्लेन करते हुए मैं आप लोगों से बात कहूं कि जैसे हम लोगों ने ऊपर एक मिसाल ली थी 2.4.6.8.10, अगर मैं यहाँ पे ये वाली बात कर दूं कि मेरे पास एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके अंदर मेरे पास नंबर आ रहे हैं 1.3.5.7.9। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखूं तो हर दो नंबर्स के बाद अगला नंबर अपने आप को रिवाइज कर रहा है, अपने आप को रिकॉल कर रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं ये बात कह दूं कि इसका फॉर्मूला होता है एपी का, मेरे पास मतलब पेपर चेंज करूंगा, नेक्स्ट पेज के अंदर मेरे पास है यहाँ पे एपी, यहां से मैं दोबारा दिखा देता हूँ आप सबको कि 1.3.5.7.9 है मेरे पास। और यहाँ पे अब एपी की डेफिनेशन क्या होती है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर आते हैं। एपी मुझे ये बात कहता है कि अगर मेरा कॉमन डिफरेंस बराबर आ जाए तमाम नंबर्स के लिए, कॉमन डिफरेंस क्या है इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास लिखा होता है 1.3.5.7.9। अब ये मेरे पास कॉमन डिफरेंस किस तरह से आएगा वो देखते हैं। कॉमन डिफरेंस बेसिकली मेरे पास कहलाता है डी, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू फॉर्मूले से किस तरह निकलेगा वो देख लेते हैं। ये मेरे पास इस तरह से आएगा डियर स्टूडेंट्स कि मैं T2 - T1 कर दूंगा। अगर ये मेरे पास T4 है तो मैं T4 - T3 कर दूंगा, यानी कि मैं चेक करूंगा कि T2 यहाँ पे क्या है। अब ये देखें, ये T1 होगी, ये T2 होगी, ये मेरे पास T3 होगी, ये वाली जो नंबर 5 की मेरे पास टर्म है ये T3 होगी, ये T4 होगी, और इस तरीके से करके अब मेरे पास जो अगला नंबर होगा मैं उस अगले नंबर से पिछले वाले को माइनस कर दूंगा, यानी कि T4 - T3, T3 - T2 और T2 - T1। अगर ये सब के सब मेरे पास सेम आ रहे हैं तो मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर मेरे पास D बराबर है, जैसे यहां से लेके यहां तक 3 - 1 2 आंसर आ रहा है, 5 - 3 2 जवाब आ रहा है, 7 - 5 मेरे पास 2 जवाब आ रहे हैं, 9 - 7 मेरे पास आंसर 2 आ रहा है, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि मेरे पास ये जो सीक्वेंस है, मेरे पास ये वाला जो प्रोग्रेशन है, ये मेरे पास इस वक्त चल रहा है एरिथमेटिक का, यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है मेरे पास। तो अब यहां से इसको मजीद डिस्कस करते हुए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि अब कोई भी अब आपके पास सवाल आ जाए तो आप लोगों ने किन चीजों को देखा करना है। फर्ज करते हैं एक सवाल को और देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि बात आप सबको मजीद अच्छे से क्लियर हो सके। एग्जाम्पल नंबर 1, अभी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के अंदर आप लोगों को क्या बताया जा रहा है अब ये देखते हैं कि कोई भी एग्जाम्पल है, मैं कोई थोड़ा डिफरेंट नंबर ले लेता हूँ, 3.7 फर्ज कीजिए, 11.15.19.so on। अब ये वाला जो सवाल है इंशाल्लाह ताला ये सवाल आप सबकी काफी हेल्प करेगा इस चीज को समझने में। अब आप देखिएगा, जैसे हम लोगों ने पहले बात की कि मुझे अगर ये चीज देखनी है कि आया कि मेरी सीरीज जो है क्या ये मेरे पास, मेरा जो सीक्वेंस है क्या ये मेरे पास एरिथमेटिक है या नहीं, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, मैं सबसे पहले इस वाली टर्म को यानी कि सेकंड टर्म को, जो पहले वाली टर्म है अगर फर्ज करें पांचवी टर्म है, तो उस वाले से मैं चौथी टर्म को माइनस करवा दूंगा। जैसे सेकेंड टर्म है तो T2 - T1 ये डी का जवाब है, अगर डी मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 7 - 3 4 आ रहा है, तो मेरे पास अब तमाम के लिए यही जवाब होना चाहिए, 19 - 15 करूं 4 है, 15 - 11 करूं 4 है, मैं अगर 11 - 7 करूं तो मेरे पास 4 है। अगर मेरे पास ये कंडीशन बन रही है तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये सीक्वेंस जो है ये मेरे पास बन रहा है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक मेरे पास सीक्वेंस बन रहा है। अब इसके अंदर मैंने एक दो चीजें और देखनी है, वो मैं आप सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
कि अब आपके पास जो पहली टर्म हुआ करेगी हमेशा, पहले वाली टर्म जो कि T1 हुआ करेगी, ये T1 हमेशा हमेशा आपने इस बात को याद रखना है कि ये T1 आप सबके पास A के बराबर हुआ करेगी। अब आपके पास आगे एक फॉर्मूला बना करेगा और उस वाले फॉर्मूले के अंदर आप लोगों ने इन तमाम चीजों को देखना है कि किस तरीके से करके आप लोगों ने अपना फॉर्मूला बनाना है और फॉर्मूले के अंदर किस तरीके से आपके पास ए का जिक्र किया जाएगा। अब मेरे पास एक चीज और है, वो है एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सबको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे कंटिन्यूसली इनफाइनाइट तक जो है टर्म्स जा रही हैं। तो आपको ये बात पता चली कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने इन तमाम की तमाम चीजों को देखना है कि इनफाइनाइट तक है, तो एन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है। अब आप सबको एन का नहीं पता कि एन क्या चीज है, तो इन तमाम चीजों को हम लोगों ने देखना है अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक था वो जस्ट हमारा ये था कि एपी क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होती है। तो इन तमाम की तमाम चीज़ों को हमने आज डिस्कस कर लिया और देख लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं रोजाना की बेसिस पे एक ऐसी नई वीडियो लेकर आ सकूं जिसके अंदर चैप्टर नंबर 4 की तमाम एक्सरसाइज को हम लोग डे बाय डे कंप्लीट करते जाएं। और एक और बहुत ज़रूरी बात कि ये वाला काम जो मैंने इस वाली शीट पर किया और जो काम मैंने इस वाली शीट पर किया, इसकी आप लोगों को PDF मिल जाएगी, यानी कि मैं इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहां से इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं और आसानी से उसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं पर भी। तो अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह लजीज नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग अब प्रॉपरली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, या जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होगा हम उसको स्टार्ट कर करके अपना पूरा कॉन्सेप्ट बनाएंगे। और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा आप सबको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देने के बाद कि अब हम लोग एक ऐसी एक्सरसाइज को स्टार्ट करें जहां से हम अपने पेपर के हवाले से तैयारी को मजीद बेहतर कर सकें।